ग्लोबल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर। आज हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। पीछे हमने इसके दो पार्ट्स डिस्कस किए, एक तो जीएडी हमने डिस्कस किया, देन हम डिस्कस किया पैनिक डिसऑर्डर। आज हम देखेंगे इसका तीसरा पार्ट फोबियाज। फोबिया एक्चुअली होता क्या है, ये भी एक किस्म का डर होता है, खौफ होता है, यानी किसी चीज़ का डर होता है। ये नेचुरल भी हो सकता है, तो ये अक्सर जो ये नेचुरल ही होता है इंसान के अंदर जो है किसी चीज़ का बिलावजह डर पैदा हो जाना। फोबियाज कैन रेंज फ्रॉम बीइंग अफ्रेड ऑफ हाइट्स टू बीइंग टेरिफाइड ऑफ ओल्ड एलिवेटर्स एंड मच मोर। तो ये जो फोबियाज होते हैं इसका जो है रेंज कुछ भी हो सकता है, मामूली डर से लेकर जो है बहुत ज़बरदस्त दिल के अंदर खौफ पैदा होना, बहुत ज़बरदस्त डर पैदा होना, तो ये इसका जो है रेंज कुछ भी हो सकता है। और ये जो फोबियाज अक्सर क्या होता है कि बिला वजह जो है किसी चीज़ का डर हमारे अंदर पैदा हो जाता है। जैसे मान लो हमारे सामने जब कहीं पानी आता है, छोटा सा कहीं नदी नाला आता है, तो उसके अंदर जाने से हम घबराते हैं, हम सोचते हैं कि अगर हम इस पानी में जाएंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। तो इस किस्म का जो छोटी छोटी चीज़ों को देख कर जो हमारे अंदर जो है एक डर पैदा हो जाता है। इससे अक्सर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो क्या रहती है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्कुल जो है वीक हो जाए, हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता किसी चीज़ को भी लेकर जो है कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। फोबियाज कैन हैव ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन दियर कॉन्फिडेंस। तो ये इससे जो है हमारे कॉन्फिडेंस में जो है हम अपने वो जो कॉन्फिडेंस के ऊपर जो है कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ फियर मैटर्स बीइंग एबल टू गॉग हाउ वरीड एंड अनकंफर्टेबल यू आर इन दीज सिचुएशंस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ ईच फोबिया अफेक्ट्स यू। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ से जो हमारे दिल के अंदर जो है कितना डर पैदा होता है, तो इससे जो है हमारे अंदर एक हमें पता लग सकता है कि कौन सी जो फोबिया है उसका जो हमारी ज़िंदगी अंदर जो है वो उससे कितना फ़र्क पड़ सकता है। तो हमें जो है ये खुद इस चीज़ के बारे में पता लगाना है, जो भी इस चीज़ से सफ़र कर रहा हो उसको खुद देखना है कि मुझे जो है कौन सी चीज़ से जो है दिल के अंदर किस किस्म का डर, किस किस्म का खौफ जो है पैदा होता है। हैविंग ए फोबिया कैन डिस्टर्ब योर रूटीन, रिड्यूस योर प्रोडक्टिविटी एंड लोअर योर कॉन्फिडेंस इन सर्टन सिचुएशंस। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि डे टू डे जो आपका एक्टिविटीज़ हैं उनमें जो है कमी आ सकती है, आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। यू कैन प्लेस ए स्ट्रेन ऑन अदर थिंग्स व्हेन एक्सपीरियंसिंग ए फोबिया। तो आप जो है खुद जो है अक्सर इंसान जो है खुद कोई काम नहीं कर पाता है, वो दूसरों के ऊपर ज़्यादा जो है वो डिपेंड रह जाता है इस जिसके अंदर ये चीज़ हो। फोबियाज कैन बी ट्रीटेड इन मैनी डिफरेंट वेज। तो इसके जो है बहुत सारे इलाज हैं, थेरापी वगैरह करवानी होती है, या विजिट टू डॉक्टर कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड योर फोबिया एंड प्रोवाइड एक्शनेबल एडवाइस ऑन हाउ टू ओवरकम। तो डॉक्टर के पास जो है बार बार जाना, उसको बताना है कि मेरे दिल में इस किस्म की कुछ चीज़ें हैं, इस किस्म के डर हैं, तो वो जो है आपको उसके जो है वो एडवाइस वगैरह लेनी है। तो इस तरीके से ये भी जो है इस किस्म का ये जो बीमारी रहती है, डिसऑर्डर, ये ख़त्म हो सकता है। देन पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD। तो ये जो है PTSD क्या होता है कि जब हम किसी किस्म का जो है सदमा पहुंचता है, उस सदमे के बाद जो है अक्सर हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि वो जो है अपने उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाते हैं। हमने मूवीज़ वगैरह में भी देखा है कि बहुत सारे लोग जो है जब किसी उनके दिल में कोई इस किस्म का कोई डेथ वगैरह हो जाए, या किसी कोई बहुत बड़ी जो है नुकसान हो जाए, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी हो, तो वो जो है वो उस सदमे से जो है बहुत कम वो निकल पाते हैं। तो इस किस्म का जो है ये वो इसी को जो ये PTSD डिसऑर्डर बोलते हैं, यानी पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ट्रोमेटिक का मतलब ही है सदमा या किसी किस्म की जो है चोट जो हमारे दिल में पहुंचती है। तो अकॉर्डिंग टू ADDA पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर अफेक्ट अराउंड 7.7 मिलियन अमेरिकन। तो ये जो है ये भी ज़्यादातर जो है अमेरिका में इस किस्म की जो ये बीमारी पाई जाती है, हमारे इंडिया में भी है, लेकिन ज़्यादा जो है ये सब चीज़ें ये जो है इसका जो ज़्यादा है असर है वो अमेरिका में ही है इन इस किस्म की बीमारियों का।
एज 18 एंड ऑनवर्ड्स, तो इसमें जो है जो लोग हैं वो 18 साल से अब ही इसमें सफ़र हो जाते हैं, क्योंकि उससे जो छोटे जो कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको जो है ये सदमे वदमे वगैरह हम खुद देखते हैं कि बहुत कम वो जो है उससे अफेक्ट होता है। अगर उनके सामने कोई मर जाए, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, हादसा हो जाए, तो बच्चों के ऊपर इसका बहुत कम असर होता है। इसका जो असर होता है वो ज़्यादा 18 प्लस के जो लोग हैं तो उन्हीं के ऊपर इसका असर रहता है। तो ये जो है बहुत सारे हज़ारों करोड़ों लोग जो हैं इस बीमारी में मुबतला रहते हैं। इट PTSD occurs when you are exposed to traumatic events and, तो जब कोई आपके ज़िंदगी में ये कब आता है, जब कोई बहुत बड़ा सदमा आ जाए तो फिर जो है ये चीज़ हो जाती है। और इसमें जो ज़्यादा है वो वुमेन जो है इसमें ज़्यादा मुबतला रहती हैं, यानी वुमेन्स आर ट्वाइस एज लाइकली टू सफ़र फ्रॉम PTSD देन मैन। PTSD commonly is found after experiencing traumatic events, जैसे मैंने आपको ऊपर आपको बोला कि ये जो है जब कोई traumatic event हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो ये जो है ये disorder जो है पैदा हो जाता है। और इससे होता क्या है, इसकी जो symptoms है कि to have flashbacks, इंसान जो है बार बार पिछली बातों के बारे में सोचता रहता है, nightmares आते हैं, ख्वाब वगैरह और intrusive memories, तो अक्सर जो है इंसान जो है सोचों में गुम हो जाता है, पिछली बातों के बारे में सोचता रहता है, कभी उसके जो है ख्वाब वगैरह आते हैं, तो ये जो है इसके कुछ सिम्टम्स हैं। एंड इनक्रेडिबल 67% ऑफ पीपल एक्सपोज टू मास वायलेंस हैव सफर्ड फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ PTSD, तो जहाँ मास वायलेंस जहाँ हो वहाँ जो है अक्सर लोग जो है उसमें वो इस किस्म के लोग जो है ज़्यादा सफ़र करते हैं। इसमें जो 67% वो लोग हैं जो किसी मास वायलेंस का शिकार हुए हों। ए हायर रेट देन दोज एक्सपोज टू नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, डिमांड ज़्यादातर इसमें वो लोग होते हैं जहाँ किसी किस्म का नेचुरल डिज़ास्टर वगैरह हो, इस किस्म के लोग जो हैं इसमें ज़्यादा मुबतला रहते हैं, जहाँ जैसे भूचाल, जलजले वगैरह, जो इन इस टाइप की जो है सुनामीज वगैरह, जहाँ इस किस्म के जो इवेंट्स होते हैं, तो ऐसे लोगों में जो ये ज़्यादा पाया जाता है। तो ये हमने जो है इसके बारे में पूरा डिस्कस किया। ये हमारा जो था फोर्थ था पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब हम देखते हैं OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये भी जो है इसमें क्या होता है, ये यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव का मतलब है किसी के अंदर जो एक जुनून पैदा हो जाना, एक जुनूनी जिसको हम बोलते हैं, एक खौफ पैदा हो जाती है, ये भी इसी किस्म की एक डिसऑर्डर है। तो इंसान जो है इसमें बहुत ज़्यादा कुछ जुनूनी वगैरह हो जाता है। इसमें इंसान क्या करता है, इसकी जो सिम्टम्स वगैरह वो क्या रहती हैं कि इंसान जो है जब उसके अंदर किसी किस्म का डर, कोई किसी किस्म की परेशानी आ जाए, तो बार बार कोई किसी एक्टिविटी को जो है वो रिपीटेडली परफॉर्म करने लगता है, यानी टू परफॉर्म सर्टन मीनिंगलेस एक्शंस रिपीटेडली। तो बार बार जो है कुछ ऐसी मीनिंगलेस एक्टिविटीज़ वो जो है बार बार करने लग जाता है, तो इसको जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। यू मे हैव ऑलरेडी हर्ड ऑफ OCD और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इन द पास्ट फ्रॉम फिल्म्स एंड TV शोज़। तो ये जो है आप लोगों ने जिनने मूवीज़ वगैरह देखते हैं वो सब इन चीज़ों के बारे में उन्होंने सुना होगा कि इंसान को जो है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे बार बार हाथ धोना, बार बार खुरचना, या बार बार जो है किसी उंगलियों को ऊपर नीचे करना, तो ये जो है कुछ ऐसी आदतें हो जाती हैं, तो वो जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आता है। होप आपको जो है ये पता लगे होगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर डजंट हैव एनी प्रेफरेंस ऑन इट्स विक्टम्स, तो ये जो है सिर्फ ऐसे लोगों पर, ये किसी के ऊपर भी जो है ये OCD की जो ये जो डिसऑर्डर है ये कभी भी किसी के ऊपर भी जो है अटैक कर सकता है। OCD कंसिस्ट ऑफ ऑब्सेसिव थॉट्स एंड फीलिंग्स दैट कंटिन्यू टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर हैबिट्स, तो ये जो है ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप जो खुद कंट्रोल भी कर सकते हैं। OCD जैसे मैंने आपको बताया कि बार बार जब इंसान कोई ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकता है, तो हम जो खुद उन एक्टिविटीज़ को स्टॉप भी कर सकते हैं, जो हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स बन जाती हैं, उल्टी सीधी हैबिट्स बन जाती हैं, तो उन हैबिट्स को जो है इंसान खुद भी कम कर सकता है, इस टाइप की हैबिट्स को खुद जो है इंसान इन चीज़ों से बाहर आ सकता है।
दिस कैन मैनिफेस्ट इन द शेप ऑफ एक्सेसिव हैंड वॉशिंग, जैसे मैंने पहले बोला, फियर ऑफ सिचुएशन एंड एक्ट आउट अगेंस्ट लव्ड वन, या जो हमसे जो बहुत ज़्यादा करीब लोग हैं उनके खिलाफ जो है हरकतें करना, एक्सेसिव हैंड वॉशिंग वगैरह करना, ये जो है इसकी सिम्टम्स हैं। यंग पीपल अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन विक्टिम ऑफ ओसीडी, तो इसमें जो है ज़्यादा यंग पीपल ही जो है इसके अंदर आते हैं। 5.5 million यंग पीपल सफ़र फ्राम ओसीडी वर्ल्ड वाइड, तो 5.5 million जो लोग हैं वो इस बीमारी से सफ़र करते हैं पूरी दुनिया में। दिस मेंटल एंग्जाइटी डिसऑर्डर हैज क्रिपल्ड इवन द मोस्ट फेमस पीपल, तो इस किस्म की जो बीमारी है ये बहुत जो मोस्ट फेमस पीपल रहे हैं दुनिया में उनके ऊपर भी जो है इस किस्म की एंग्जाइटी जो है उसका शिकार हुए हैं, जैसे मैगन फॉक्स, जस्टिन टिम्बल के, लियोनार्डो डिकॉप्रिया डिकॉप्रियो बिकमिंग दोज विद पास्ट इश्यूज विद ओसीडीज, तो इनके ऊपर भी ओसीडी की जो डिसऑर्डर इससे जो है वो ये हुआ है उनके ऊपर। न्यू थेरापीज एंड कॉन्फ्रेंसेज हैव हेल्प टू प्रोग्रेस ओसीडी थेरापी, तो नई नई जो टेक्निक्स आई हैं, थेरापीज वगैरह आई हैं, उससे जो है इससे जो है कुछ कमी जो है इसमें हो आ चुकी है। न्यू मूवीज लाइक ओसीडी किड मूवी हेल्प टू डॉक्यूमेंट द स्टोरी ऑफ यंग पीपल विच विद एडवाइस टिप्स एंड प्लान टू हेल्प सॉल्व देयर एवरीडे इशूज, तो कुछ मूवीज़ भी आई हैं ओसीडी किड मूवीज़ जिनको देखकर जो है इंसान जो है खुद इनके ऊपर जो है अपनी जो ये जो प्रॉब्लम है इससे जो है सो एवरीडे इशूज़ जो हैं उनसे जो है वो बाहर आ सकता है। हमें अगर इसका पता चल जाए तो बहुत ईजिली जो है हम खुद इसके ऊपर जो है डॉक्टर के पास जाने की भी यहाँ इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, हम खुद जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। 1 in 40 US एडल्ट कुड बी सफर ऑफ ओसीडी, तो US में जो है बहुत सारे लोग हैं, 40 में से एक इंसान जो है इस बीमारी का शिकार है। एंड 1 in 100 चिल्ड्रन विल फेस ए ओसीडी, दिस फिगर्स आर शॉकिंग इन मेनी बट प्रोवाइड्स अस विद एन ओवरव्यू टू स्केल द प्रॉब्लम। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी इज़ वन ऑफ द नेम सोल्यूशन, तो एक जो है इसका सबसे बड़ा जो इस वक्त सोल्यूशन है वो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी, ये इसका जो है इलाज है हमारे पास जिससे जो हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तो ये कुछ हमने जो है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स जो हमारे इसमें सुपरवाइजर के एग्ज़ाम में जो सिलेबस में थे कुछ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स इनका हमने डिस्कस किया, होप आपको जो है ये इनके बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी आप जो है जो मैंने यहाँ बताया है इससे भी आप देख लें, आप जो बुक्स भी कंसल्ट करें, नेट भी आपके पास अवेलेबल है, नेट से भी आप कोशिश करें इनके ऊपर जो है जो मज़ीद आपको कुछ मिलता है उनको आप जो है नोट्स वगैरह प्रिपेयर करें। ये ज़रूरी नहीं है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जितना मैंने यहाँ पढ़ाया बस सिर्फ यही जो है काफ़ी एग्ज़ाम के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ तो मैं सिर्फ आप लोगों के जो है वो कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, बाकी इनसे जो है मज़ीद आप जो है आज हमारे पास नेट का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, वहाँ से हमें जो है बहुत सारे मटेरियल प्रोवाइड हो सकता है इनके बारे में। आपको जो भी अगर मज़ीद कुछ लेटेस्ट इंडिया के बारे में या अपने स्टेट के बारे में कहीं भी कुछ भी आप जो है ढूंढ कर निकाल सकते हैं और उनका जो है आप अलहदा से नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ओके, मुझे उम्मीद है कि आप ये जो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ओके थैंक्स, अब हम जो है नेक्स्ट बहुत जल्दी अगले लेक्चर के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। ओके थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।